वेलकम टू AHS Pro। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BOD के बारे में, जो कि वाटर पोल्यूशन को मापने का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। सो बहुत कुछ जानने मिलेगा आपको इस वीडियो में, लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। आज हम स्क्रीन पर शो हो रहे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BOD को जानने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को जानने की आवश्यकता है, वह है डिसॉल्व ऑक्सीजन। हम सभी जानते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है, अर्थात पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को डिसॉल्व ऑक्सीजन कह सकते हैं। DO की उचित मात्रा पानी में होना अति आवश्यक है। इसकी मात्रा अधिक होने पर मछलियों में गैस बुलबुला रोग हो सकता है, जो कि मछलियों में खून अथवा रक्त के बहाव को रोक देता है, तथा इसके लिमिट से कम होने पर मछलियां मर भी सकती हैं। पानी की एक बूंद में 5.0 mg पर लीटर से कम जलीय जीवन के लिए हानिकारक होता है, जिनकी ड्रिंकिंग वाटर में स्टैंडर्ड वैल्यू विंटर सीजन में 12 से 16 mg पर लीटर तथा समर सीजन में 5 से 8 mg पर लीटर होती है। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की तरफ। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन की डिमांड, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है कि यह ऑक्सीजन की डिमांड है, तो किसी दिए हुए वाटर सैंपल में किसी निश्चित तापमान में और एक निश्चित समय अवधि में एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह तो हमारी डेफिनेशन है। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, यह सड़ी गली पत्तियाँ, मरे हुए जलीय जीव, जो कि पानी के लिए प्रदूषण का एक कारण होते हैं और मोस्टली ये कार्बन के यौगिक के तौर पर हम इन्हें जानते हैं। तो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया वह जीव होता है जो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रह सकता है और बढ़ सकता है। यह एरोबिक बैक्टीरिया इन ऑर्गेनिक मैटर सड़े गले पत्तियों को क्या करता है? अपघटित करता है, जिससे हमारा पानी स्वच्छ हो जाता है। तो जब ये इन्हें अपघटित करता है, तो इसे पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह कंज्यूम करता है। उसी कंज्यूम की हुई मात्रा को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि BOD कैसे बढ़ती है और उसके बढ़ने पर वाटर या जल स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट पत्तियां, घास, फूड वेस्ट जो हम घरों से निकलता है, वो हम पानी में डालते हैं, और पानी में उपस्थित बैक्टीरिया या एरोबिक बैक्टीरिया इस मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, अर्थात वेस्ट को सरल भागों में तोड़ता है, जिससे पानी के ऑर्गेनिक वेस्ट से मुक्त हो जाता है और साफ हो जाता है। इस प्रोसेस में एरोबिक बैक्टीरिया पानी में उपस्थित खुली हुई ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जिससे वे जिंदा रह सकते हैं। तो BOD वेस्ट को डिकम्पोज करने के दौरान एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा को मेजर करता है या नापता है। अब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक वेस्ट या ज़्यादा कचरा पानी में उपस्थित है या पानी के स्रोत में उपस्थित है, तो एरोबिक बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने या सरल भागों में तोड़ने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होगी, जिससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन या डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में कम हो जाने से जलीय जीवों का जीवन खतरे में आ जाता है और वे मर जाते हैं। इसका मतलब अगर DO का लेवल जो है घटता है पानी में, तो BOD हमेशा हाई होती है। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि DO अगर कम होगा और BOD हाई होगी, तो जलीय जीव पानी में मर जाएंगे और पानी में और ज़्यादा कार्बनिक मटेरियल आ जाएंगे, जिससे पानी प्रदूषित होगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट क्यों वाटर की BOD बढ़ाते हैं। तो जो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट है, वह
जलीय पौधों को बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसका मतलब अगर पानी में नाइट्रेट एंड फास्फेट की अधिकता होगी तो जलीय पौधे जल्दी से बढ़ेंगे और जल्दी वृद्ध होने के बाद जल्दी से डिकम्पोज होंगे और मरने के बाद वे ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाएंगे। जैसा कि हम ऑर्गेनिक वेस्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर ऑर्गेनिक वेस्ट पानी में ज़्यादा होगा तो डीओ कम होगा और बीडीओ बढ़ जाएगा और जल प्रदूषित होगा। तो यह नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स भी एक रोल प्ले करते हैं बीओडी को बढ़ाने के लिए। तीसरी, केमिकल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स और सॉल्वेंट्स का उपयोग किया जाता है और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का उपयोग किया जाता है, सच एज कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे कार्बन का यौगिकों का उपयोग किया जाता है, जो कि कंपनियों द्वारा नदी में या जल स्रोतों में बहाए जाते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर की पानी में अधिकता हो जाती है और जो हमारा बैक्टीरिया है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है, जिससे पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है और जलीय जीव फिर से नष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार बीओडी जब जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पानी प्रदूषित होने लगता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि अगर बीओडी हाई होगा तो ये मछलियाँ कैसे मर जाती हैं पानी में और किनारे पर देखी जा सकती हैं, तथा जल स्रोत हमारे धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और सूख हो जाते हैं। तो इससे पर्यावरण में हमारा एक्वेटिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। इस प्रकार बीओडी की मात्रा में कमी हो जाने पर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने में मछलियों में गैस बुलबुला रोग हो जाता है, जो कि मछलियों में रक्त के बहाव को रोक देता है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड